अच्छा आज हमारे पास टॉपिक है MySQL के अंदर MySQL कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो MySQL के अंदर जो कंस्ट्रेंट्स का कॉन्सेप्ट है ये होता क्या है। यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, MySQL कंस्ट्रेंट्स आर यूज टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर डेटा इन अ टेबल। ठीक है, मतलब हम टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो उन टेबल के अंदर जो डेटा जाएगा वो उनके ऊपर अगर मुझे कोई रूल्स स्पेसिफाई करने हो तो हम यूज करते हैं MySQL कंस्ट्रेंट्स को। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम स्पेसिफाई करते हैं कि भाई मेरा कोई कॉलम है उसके अंदर जो डेटा जा रहा है, ठीक है, उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं जा सकती। ठीक है, मतलब जिस तरह हम आईडी के ऊपर प्राइमरी की लगाकर करते हैं, ठीक है, तो वो प्राइमरी की भी क्या होता है, एक कंस्ट्रेंट होता है। ठीक है, कि भाई जब मैं प्राइमरी की लगा रहा था तो वो क्या काम करता था कि एक तो हमें उस कॉलम के अंदर नल वैल्यू जाने की इजाजत नहीं देता था और उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज जाने की इजाजत नहीं देता था। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। फिर इसी तरह फॉर एग्जांपल हम जब कोई डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसा होता है कि हम किसी कॉलम के ऊपर डेटा इंसर्ट नहीं करते तो वहां पे क्या चला जाता है, नल चला जाता है। ठीक है, तो अगर इस चीज को रोकना हो कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे किसी कॉलम में, फॉर एग्जांपल नेम का कॉलम है, अब मैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहा हूँ कि नेम का कॉलम यूजर ने लाजमी इंसर्ट करना है, तो वहां पे हमारे पास एक कंस्ट्रेंट यूज होता है, वो हम यूज कर सकते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास ऐसा होता है कि जब हम कोई डेटा इंसर्ट करते हैं टेबल के अंदर, तो अब हम चाह रहे हैं कि उसकी जगह, फॉर एग्जाम्पल नेम का कॉलम है, अब मैं चाह रहा हूँ कि नेम अगर मैं नहीं देता तो नल जाता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ नल ना जाए बल्कि कोई डिफॉल्ट वैल्यू चली जाए, फॉर एग्जाम्पल अननोन। ठीक है, मतलब अगर कोई यूजर मेरा इंसर्ट करते वक्त मेरे उस कॉलम को, नेम के कॉलम को वैल्यू नहीं दे रहा तो वहां पे नल जाने के बजाय एक स्ट्रिंग चला जाए और वो स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, अननोन। ठीक है, इस तरह के जो मतलब रूल्स होते हैं जो हम अपने टेबल के ऊपर लगाते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं MySQL कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अब देखो सेकेंड पॉइंट, कंस्ट्रेंट्स कैन बी स्पेसिफाइड व्हेन द टेबल इज क्रिएटेड विद द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। मतलब पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो कंस्ट्रेंट्स है MySQL के अंदर, ठीक है, वो जब हम अप्लाई करते हैं तो क्रिएट टेबल करते वक्त भी ये MySQL कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं। मतलब जब हम क्रिएट टेबल करते हैं ना, क्रिएट टेबल में हम क्या करते हैं, कॉलम देते हैं, उसकी डेटा टाइप देते हैं, तो जिस कॉलम पे मुझे अगर कोई कंस्ट्रेंट लगाना है, कंस्ट्रेंट कौन कौन से होते हैं, इस तरह यूनिक होता है, ठीक है, नॉट नल होता है, डिफॉल्ट होता है, ये सारे क्या कहलाते हैं, कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं। तो अगर ये मुझे अप्लाई करने हो तो दो तरीके से मैं अप्लाई कर सकता हूँ, एक तो क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट में, मतलब टेबल को क्रिएट करते वक्त, और दूसरा कि अगर मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया है लेकिन उसके ऊपर मैंने MySQL कंस्ट्रेंट नहीं लगाया तो मैं अल्टर टेबल के थ्रू क्या कर सकता हूँ, बाद में भी उसके ऊपर MySQL कंस्ट्रेंट लगा सकता हूँ। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं जिसमें से पहला कंस्ट्रेंट आता है यूनिक कंस्ट्रेंट। ठीक है, यूनिक कंस्ट्रेंट अगर हम किसी कॉलम पे लगाते हैं तो देखो इसका काम क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है, समटाइम्स यू वॉन्ट टू एनफोर्स द यूनिकनेस वैल्यू इन अ कॉलम। मतलब कभी कभार हमें क्या करना पड़ता है, अपने किसी कॉलम के ऊपर यूनिकनेस को मेंटेन रखना पड़ता है। यूनिकनेस मतलब कि डुप्लीकेट वैल्यूज उसके अंदर इंसर्ट नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम स्टूडेंट का टेबल बना रहे हैं और उसमें स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम होता है, अब आपको पता है वो यूनिक होता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ सकती, तो उस केस में हम उस स्टूडेंट आईडी वाला जो कॉलम है उसके ऊपर हम कौन सा कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, यूनिक कंस्ट्रेंट। इससे क्या फायदा होगा, यूनिक कंस्ट्रेंट ये चेक करेगा कि आपके कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वन आईडी ऑलरेडी इंसर्ट कर ली, अगर मैं वो वन आईडी पे दोबारा इंसर्ट करूंगा डेटा तो वो मुझे स्ट्रेट अवे एरर देगा कि वन ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, इस तरह का। फिर देखो, टू एनफोर्स दिस रूल यू नीड टू यूज द यूनिक कंस्ट्रेंट। मतलब हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है और कीवर्ड भी आप कह सकते हो जिसका क्या नाम है, यूनिक। फिर देखो, द यूनिक कंस्ट्रेंट इज ईदर कॉलम कंस्ट्रेंट और टेबल कंस्ट्रेंट दैट डिफाइंस अ रूल दैट कंस्ट्रेंट्स वैल्यू इन अ कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम्स टू बी यूनिक। मतलब
हम एक कॉलम के ऊपर भी लगा सकते हैं यूनिक, और ग्रुप ऑफ कॉलम्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे कि एक कॉलम में किस तरह से यूनिक लगाते हैं और ग्रुप ऑफ कॉलम में किस तरह से हम ये यूनिक अप्लाई करते हैं। फिर एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, यूनिक कॉलम कैन कंटेन नल वैल्यूज, मतलब जिस कॉलम में आपने यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है उसके अंदर नल वैल्यूज जा सकती है, ठीक है, नल वैल्यूज अलाउड होती है, ठीक है। एक तो इसका ये पॉइंट है, लेकिन अगर यूनिक के साथ आप नॉट नल लगा दो तो क्या होगा, आपके पास वो नल वैल्यूज भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो अब यहां पे आते हैं, अब देखो MySQL यूनिक कंस्ट्रेंट जो हम लगाते हैं, मैंने क्या बताया, क्रिएट टेबल करते वक्त भी लगा सकते हो आप और अल्टर करते हुए भी लगा सकते हो, ठीक है। यहां पे देखो पहला सिंटैक्स क्या कह रहा है, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम, फिर किस कॉलम पे लगाना है उसकी डेटा टाइप, और फिर क्या लगा देते हैं उसके आगे यूनिक। इसका मतलब ये जो भी कॉलम होगा उसके अंदर यूनिक वैल्यूज ही जाएंगी हर इंसर्ट या अपडेट के ऊपर, ठीक है। एक ये पॉइंट है, तो इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो पीएचपी माय एडमिन में आ जाते हैं और यहाँ पे वो यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं। देखो मेरे पास एक यहाँ पे डेटाबेस है माई न्यू डीबी, ठीक है, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ और इसके अंदर मैं एक टेबल बनाता हूँ जिसके ऊपर हम ये कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले मैं इस माई न्यू डीबी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब आ जाता हूँ अपने एसक्यूएल के ऊपर क्यूरी बॉक्स, ठीक है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल, और इसका नाम फॉर एग्जाम्पल ईएमपी रख देते हैं जस्ट, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं आईडी, ठीक है, और इसको मैं इंटीजर कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर इसके बाद नेम दे देते हैं वॉचर 50 और यहाँ पे आके एज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं ऊपर, ठीक है, और यहाँ से लास्ट में कॉमा हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आईडी के आईडी को मुझे यूनिक करवाना है, ठीक है। मतलब देखो आपको याद होगा हमने प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, तो प्राइमरी की हमारे पास क्या करता था, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी की लगाता हूँ, ठीक है, तो तीन काम होते हैं, एक तो कंस्ट्रेंट लगता है, कौन सा, यूनिक कंस्ट्रेंट लगता है इसके साथ साथ, और क्या लगता है, और नॉट नल भी लगता है, और एक और चीज लगती है इंडेक्स। मतलब हमारे पास तीन चीजें लगती हैं जब भी हम प्राइमरी की किसी कॉलम पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। यूनिक क्या करता है कि भाई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं जाएंगी, और नॉट नल क्या करता है कि नल वैल्यूज नहीं जाएंगी, और इंडेक्स क्यों लगाते हैं कि अगर हम वेयर क्लॉज के अंदर आईडी के थ्रू कोई सर्चिंग करवाते हैं तो हमारी सर्चिंग फास्ट होती है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमारे पास ऑटोमेटिकली लग जाती हैं किसके साथ, प्राइमरी की के साथ, और प्राइमरी की भी एक कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी किसकी बात कर रहे हैं, यूनिक। तो आईडी के ऊपर मैं क्या लगा रहा हूं, यूनिक, इसका मतलब कि इसके अंदर अब डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं जा सकती। तो मैं यहां पे आता हूं, कंट्रोल एंटर करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो देखो ये एग्जीक्यूट हो गया, मैं शो क्यूरी बॉक्स पे जाता हूं और उसको हम एक दफा रिटेन कर लेते हैं ताकि राइट नाउ, ठीक है। तो टेबल हमारे पास क्रिएट हो गया है, तो अब अगर मैं यहां पे आऊं और इसके अंदर डेटा इंसर्ट करूं, ठीक है, इंसर्ट इनटू ईएमपी और उसके बाद वैल्यूज, ठीक है, और देखो मैं कहता हूं 1, ठीक है, और इसमें मैं कह देता हूं अली और उसके बाद एज है 23, ठीक है। तो देखो अभी 1 यूनिक वैल्यू है, अगर मैं अभी यहां पे आके कंट्रोल एंटर करूं और हम नीचे आते हैं तो देखो ये सक्सेसफुल इंसर्ट हो गई। लेकिन अब अगर मैं 1 के ऊपर, मतलब 1 ऑलरेडी इंसर्ट हो चुकी है, तो अब यहां पे आके फॉर एग्जांपल मैं 1 के ऊपर एक दूसरा एम्प्लॉय भेज रहा हूं असद, तो अभी आके यहां पे मैं कंट्रोल एंटर करूं तो आप देखो अब क्या कह रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की आईडी, ठीक है, मतलब ये डुप्लीकेट आपके पास हो रहा है। अच्छा एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट, जब हम यूनिक लगाते हैं ना, यूनिक हमने किस कॉलम के ऊपर लगाया, आईडी के कॉलम पे, तो देखो यूनिक के साथ भी एक इंडेक्स लगता है। मतलब जिस तरह प्राइमरी के साथ यूनिक भी लग रहा था, नॉट नल भी लग रहा था और इंडेक्स भी लग रहा था,
सेम उसी तरह जब आप किसी कॉलम पे यूनिक कंस्ट्रेंट लगाते हो तो वहां पे भी ऑटोमेटिकली एक इंडेक्स लगता है, ठीक है, ये पॉइंट है। फिर देखो यहां पे आते हैं, और अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस इंडेक्स को देखना है, ठीक है, मतलब ये जो मैंने यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया, अगर मुझे इसको देखना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, शो इंडेक्स, ठीक है, और हमने किसके ऊपर लगाया था, फ्रॉम ईएमपी, ठीक है, यहाँ पे आके कंट्रोल एंटर करते हैं और नीचे आते हैं, ठीक है। तो देखो एम्प्लॉय के टेबल पे मैंने लगाया था, ठीक है, और कौन सी उस की के ऊपर लगाया था मैंने, मतलब कॉलम, कौन से कॉलम के ऊपर लगाया था, आईडी के कॉलम के ऊपर लगाया था, ठीक है, एक इसका ये पॉइंट है, ठीक है, और ये मैंने कब लगाया है, क्रिएट टेबल करते हुए, ठीक है, एक तो इसका ये पॉइंट है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब कुछ और भी सिंटैक्सेस है, ठीक है, दूसरा सिंटैक्स क्या है, देखो ये वाला पहला वाला मैंने आपको बताया कि कॉलम जब आप बना रहे होते हो क्रिएट टेबल करते वक्त, उसकी डेटा टाइप के आगे आप क्या लगा दो, यूनिक लगा दो। अब दूसरा देखो, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम, फिर कॉलम, फिर उसकी डेटा टाइप। अब देखो जब आप कॉलम और उसकी डेटा टाइप दे दोगे तब आप कॉमा लगा दोगे, ठीक है, और नीचे आओगे, मतलब तीसरी लाइन के अंदर यहाँ पे आप लिखोगे यूनिक और फिर ब्रैकेट दे के उस कॉलम का नाम जिसको आपने यूनिक बनाना है, ठीक है। मतलब देखो ये थोड़ा ज्यादा शॉर्ट तरीका है कि आप डायरेक्ट यूनिक लगा लेते हो, ठीक है, और ये इसके लिए आपको एक्स्ट्रा लाइन लिखनी है, मतलब दोनों आपको सेम रिजल्ट देंगे। तो दो सिंटैक्स आपके पास ये हो गए। फिर आप देखो सिंटैक्स नंबर थ्री, ठीक है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल इस तरह से लगाते हो, मतलब क्रिएट टेबल किया, फिर टेबल का नाम, फिर कॉलम नेम वन उसकी डेटा टाइप, कॉलम नेम टू उसकी डेटा टाइप, और अब देखो अब यहाँ पे दो के ऊपर लगा रहा है, मतलब यूनिक ये जो है वो कितने के ऊपर लग रहा है, दो कॉलम्स के ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो देखो जब हम एक पे लगाते हैं तो वो तो हमने देख लिया कि उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ सकती, लेकिन दो पे लगाने से होता क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा एक और पॉइंट देखो, हमारे पास कितने सिंटैक्स हैं, तीन सिंटैक्स है, वन टू थ्री और फोर। अब देखो जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं और जिसका फायदा भी है वो है सिंटैक्स नंबर फोर, ठीक है, चाहे आपको एक कॉलम पे यूनिक लगाना हो या चाहे दो कॉलम्स के ऊपर या मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर यूनिक लगाना हो, तो आप क्या करते हो, सिंटैक्स नंबर फोर को आप फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि इसका फायदा क्या मैं बताता हूँ। ये देखो क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम, फिर कॉलम, फिर उसकी डेटा टाइप, फिर दूसरा कॉलम, उसकी डेटा टाइप। अब देखो मैंने क्या बताया था, यूनिक क्या है, कंस्ट्रेंट है, तो देखो पहले कीवर्ड यूज हो रहा है, मतलब जब आप कॉलम दोगे उसके बाद कॉमा कॉमा लगा दोगे, फिर आखिरी लाइन पे, मतलब जितने भी कॉलम्स आप दोगे उसके बाद ब्रैकेट बंद करने से पहले सेकंड लास्ट लाइन के अंदर आपने क्या लिखना है, पहले कंस्ट्रेंट का कीवर्ड, फिर आपके कंस्ट्रेंट का नाम डिक्लेयर करना है, क्योंकि देखो जब हम इस तरह से यूनिक लगाते हैं ना तो उसका कोई नाम नहीं रखा जाता, ठीक है। तो यहां पे देखो फोर में क्या फायदा है, फोर में जब भी आप देखो हो क्या रहा है, पहले कंस्ट्रेंट, फिर आपके कंस्ट्रेंट का नाम, मतलब जो आप अपनी मर्जी से रखते हो, फिर यूनिक का कीवर्ड, और फिर उसके ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी कॉलम्स के ऊपर आपने यूनिक लगाना है। अब देखो जरूरी नहीं है यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स हो, यहाँ पे कोई एक कॉलम भी हो सकता है, दो कॉलम भी हो सकता है, मल्टीपल कॉलम भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो ये नाम रखने की वजह क्या है, देखो मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सिंटैक्स नंबर फोर ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आप नाम रख लेते हो ना तब आप इसी नाम से इस यूनिक कंस्ट्रेंट को, इस इंडेक्स को ड्रॉप भी करवा सकते हो, डिलीट भी करवा सकते हो, ठीक है, ये इसका एक मेन बेनिफिट है, क्योंकि जो आप नाम रखोगे वो आपको याद होगा, ठीक है, और आप उसी नाम से क्या कर सकते हो, ठीक है, जो भी यूनिक आपने कॉलम्स पे लगाया है आप उसे हटा भी सकते हो, ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी ये वाला जो आपके पास यूज हो रहा है, ठीक है, ये दो कॉलम्स के ऊपर लग रहा है, तो दो कॉलम्स पे जब हम लगाते हैं उसका क्या बेनिफिट है इसको देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, मैं कंट्रोल जेड करके पीछे जाता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखो पहले मैंने इस तरह से लगाया, ठीक है, यहां पे देखो ये वाला टेबल तो बना हुआ है ना, मैं पहले इस टेबल को ड्रॉप कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि यही टेबल मैं दोबारा बनाता हूं। EMP करते हैं, कंट्रोल एंटर करते हैं, कंफर्मेशन मांग रहा है, ओके करते हैं, तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पे आते हैं, ठीक है, आप देखो
अब देखो एक तरीका तो क्या था कि आप उसके आगे यूनिक लगा लो, ठीक है, और फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप लास्ट लाइन पे क्या करो, पहले आप यूनिक लिख लो, ठीक है, यूनिक लिख लो, और फिर जिस कॉलम के ऊपर अप्लाई करना है, मुझे आईडी के ऊपर अप्लाई करना है, आप ये दे दो। अब यहाँ पे आप कॉमा लगा के मल्टीपल भी दे सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर एक और सिंटैक्स क्या था कि आप नाम रखते हो, ठीक है, मतलब जो आप यूनिक इंडेक्स बना रहे हो, जो यूनिक कंस्ट्रेंट लगा रहे हो, जिन कॉलम्स के ऊपर भी, उसका नाम रखते हो। तो यहाँ पे आके हम कीवर्ड क्या यूज करते हैं, कंस्ट्रेंट, और फिर यहाँ पे आ जाओ, कंस्ट्रेंट के बाद क्या था हमारे पास, कंस्ट्रेंट का नाम। देखो मैं यहाँ पे कहता हूं आईडी और एज, मैंने इसका नाम क्या रख लिया, आईडी एज, क्योंकि मैं अब दो कॉलम्स के ऊपर लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूं यूनिक, और अब मुझे किसके ऊपर लगानी है, आईडी के ऊपर लगानी है और एज के ऊपर लगानी है। देखो सिंगल कॉलम पे लगाते हैं उसका कॉन्सेप्ट तो हमें पता है, लेकिन मल्टीपल कॉलम्स पे लगा के क्या होता है इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो यही हमारे पास सिंटैक्स था, कंस्ट्रेंट, फिर कंस्ट्रेंट का नाम, फिर यूनिक का कीवर्ड, और ब्रैकेट में जो जो कॉलम्स आपने जिनके ऊपर यूनिक लगाना है वो आप देते हो। तो देखो अब मैं यहाँ पे आके कंट्रोल एंटर करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एंटर करते हैं, नीचे आते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये टेबल बन गया, और अब अगर मैं आपको इंडेक्स दिखाऊं, ठीक है, मतलब देखो मैंने क्या बताया था, जब आप यूनिक कंस्ट्रेंट लगाते हो तो इंडेक्स लगता है, तभी मैं शो के साथ क्या यूज कर रहा हूँ, इंडेक्स यूज कर रहा हूँ, शो इंडेक्स फ्रॉम ईएमपी, और यहाँ पे आके कंट्रोल एंटर करते हैं और हम नीचे आते हैं। तो देखो अब ईएमपी मतलब एक टेबल पे दो कॉलम्स के ऊपर लगा हुआ है, और उसकी जो की का नाम रखा था, मतलब कंस्ट्रेंट का नाम क्या रखा था, आईडी अंडरस्कोर एज, और देखो कौन कौन से कॉलम पे लगाया था, आईडी के ऊपर और एज के ऊपर लगाया था। तो देखो दो कॉलम्स पे जब हम यूनिक कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो उसको चेक कैसे करते हैं, देखो मैं यहां पे आता हूं, मैं कहता हूं इंसर्ट, ठीक है, फिर इनटू, और फिर ईएमपी, ठीक है, और फिर इसके बाद वैल्यूज का कीवर्ड, ठीक है, और यहां पे आके मैं कहता हूं वन, ठीक है, और वन में मैं कहता हूं अली, और यहां पे मैं कहता हूं 23, ठीक है। अभी देखो अभी अगर मैं यहां पे आके कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये रो सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पहली ही रो है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे आऊं, सेलेक्ट ऑल करूं, ठीक है, और यहां पे आके इसका डेटा देखते हैं, कंट्रोल एंटर करते हैं, नीचे आते हैं, ठीक है। तो देखो ये एक रो हमारे पास इंसर्ट हो गई, लेकिन अब अगर मैं यहां पे जाऊं, देखो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं देखो एम्प्लॉय कर दिया मैंने असद, एज कर दी मैंने 24, लेकिन रो क्या है, वन है, और वन में पहले इंसर्ट कर चुका हूं, लेकिन अभी देखना होगा क्या, मैं यहां पे आके कंट्रोल एंटर करता हूं तो देखो रो इंसर्ट हो गई है। अब रो क्यों इंसर्ट हो गई है, क्योंकि मैंने दो कॉलम पे यूनिक लगाया था, सही है, इसको समझना। देखो मैं यहां पे आता हूं, मैं कहता हूं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी, ठीक है, कंट्रोल एंटर करते हैं, और अब यहां पे देखो, अब देखो आईडी को तो मैंने यूनिक बनाया था, फिर यहां पे डुप्लीकेट कैसे आ रहा है। अब देखो कॉन्सेप्ट समझना, जब भी हम दो कॉलम्स के ऊपर यूनिक लगाते हैं ना, तो वो दोनों को चेक करता है, क्योंकि देखो जब मैं दूसरी रो इंसर्ट कर रहा था तब मैंने एज डिफरेंट दे दी थी, सही है, एज डिफरेंट दे दी थी, यही वजह है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब देखो अगर मैं कोई ऐसी रो इंसर्ट करूं जिसकी आईडी भी 1 हो और एज भी 23 हो, बेशक नाम डिफरेंट हो, तो तब आएगा हमारे पास यूनिक का एरर, सही है। तो देखो अगर मैं यहां पे आऊं, ठीक है, देखो यहां पे आके 1 भी ऑलरेडी इंसर्टेड है एक रो पे, और उसी रो पे 23 भी इंसर्टेड है, लेकिन मैं यहां पे आके जस्ट नाम चेंज करता हूं, मतलब मैंने आईडी और एज दोनों के ऊपर यूनिक लगाया था ना, तो 1 भी पहले से मौजूद है उस रो पे और एज भी मौजूद है। तो अगर यहां पे आके मैं कंट्रोल एंटर करता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं, तो अब आके आप रिजल्ट देखो क्या कह रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 1 और 23, मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप दो कॉलम्स के ऊपर अगर आप ये लगाते हो, ठीक है, यूनिक कंस्ट्रेंट, तो वो इस तरह से काम करता है, याद रखना, ठीक है, वरना आप सिंगल सिंगल भी लगा सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, सही है। तो एक तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब फिर देखो
What if you want to add a unique constraint to a table that already exists? मतलब मैंने क्या बताया था, create table करते वक्त हम लगा सकते हैं unique, और अगर हमारे पास एक table बना हुआ हो हमें उसे modify करके एक constraint लगाना हो तो वो भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, ये जो हमारे पास table बना हुआ है, ठीक है, हम पीछे चलते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्यूरी लिखी हुई है ना, इस क्यूरी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और पहले इस टेबल को ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि इसी नाम से मैं दोबारा बनाऊंगा। कंट्रोल एंटर करते हैं, ओके करते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं, डिलीट हो गया। और अब देखो, अब मैं टेबल को क्रिएट करते वक्त कोई भी यूनिक नहीं लगा रहा, ठीक है, क्रिएट टेबल करते वक्त मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा। तो अगर यहाँ पे आप देखो, मतलब पहले मैं ये टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, और देखो क्रिएट करते वक्त कहीं भी कोई यूनिक नहीं लगा हुआ। मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ और नीचे आते हैं, ठीक है, तो देखो टेबल क्रिएट हो गया। और अगर मैं आपको इस टेबल के इंडेक्स दिखाऊं, तो अभी तो मैंने मतलब कोई भी यूनिक नहीं लगाया ना, तो अगर मैं अभी यहाँ पे आके आपको रिजल्ट दिखाऊं, कंट्रोल एंटर करूं, तो ये हमें अभी एम्प्टी दिखाएगा। देख रहे हो, कुछ नहीं दिखा रहा। अगर यूनिक लगा हुआ होता, इंडेक्स लगा हुआ होता तो हमें वो दिखाता, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, अब मैं अल्टर के थ्रू इसके ऊपर लगाता हूँ। तो देखो अल्टर में क्या करना है, पहले अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम, फिर ऐड का कीवर्ड, फिर कंस्ट्रेंट, और फिर कंस्ट्रेंट का नाम, ठीक है। मतलब देखो कंस्ट्रेंट का नाम रखने की यही वजह है कि हम उसी नाम से उस कंस्ट्रेंट को ड्रॉप भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो देखो यहां पे आते हैं, पहले मैं कहता हूं अल्टर, फिर टेबल, फिर टेबल का नाम क्या है, emp, और फिर इसके बाद मैं कहता हूं ऐड, और फिर हम कहते हैं कंस्ट्रेंट का कीवर्ड, और फिर कंस्ट्रेंट का नाम, ठीक है। कंस्ट्रेंट का नाम मैं फॉर एग्जाम्पल अभी एक के ऊपर लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि दो के ऊपर मैंने लगा के दिखा दिया, ठीक है। मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल इसका नाम हम रख लेते हैं यूनी आईडी, ठीक है, और फिर इसके बाद हम कीवर्ड कौन सा यूज करते हैं, यूनिक का। और अब मुझे किसके ऊपर लगाना है, आईडी के ऊपर लगाना है, ठीक है, लेकिन अगर आपको मल्टीपल लगाने हैं तो आप कॉमा लगा के इस तरह से यहाँ पे देते जाओगे, ठीक है, लेकिन उन दोनों का नाम क्या होगा, जो भी आप नाम यहाँ पे सेट रखोगे, ठीक है। मुझे एक के ऊपर लगाना है तो मैं यहाँ पे आके इस तरह से लगाता हूँ, ठीक है। मतलब अब टेबल एग्जिस्टिंग है, अल्टर के थ्रू मैं उसके ऊपर यूनिक लगा रहा हूँ, और कौन से कॉलम पे, आईडी के कॉलम पे। तो आप कंट्रोल एंटर करते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं, तो अब देखो लग गया, मतलब यूनिक लग गया। और अब अगर मैं आपको शो करके दिखाऊं, ठीक है, शो इंडेक्स और फिर फ्रॉम ईएमपी, ठीक है, और कंट्रोल एंटर करते हैं, और अब अगर आप नीचे जाओ तो देखो अब आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। नाम क्या रखा, की का यूनिक आईडी, और किस कॉलम के ऊपर लगाया है, आईडी के ऊपर, ठीक है। तो अब इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे आके इंसर्ट करूं, ठीक है, इंसर्ट इनटू ईएमपी, फिर यहाँ पे वैल्यूज, और यहाँ पे आके अगर मैं वन दूं, मतलब मैंने टेबल न्यू बनाया ना, ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ 23, ठीक है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि पहली रो इंसर्ट हुई है। और अब अगर मैं यहाँ पे आके वन के ही ऊपर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, और अब अगर मैं कंट्रोल एंटर करूं, और अब अगर आप नीचे जाओ तो क्या देगा, एरर देगा, डुप्लीकेट एंट्री फॉर की यूनिक आईडी, ठीक है। एक तो आपके पास ये पॉइंट हो गया, ठीक है। मतलब देखो कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम कंस्ट्रेंट अपना नाम रखते हैं तो हम उसी नाम को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना नाम नहीं रखते ना, तब वो अपना नाम जनरेट करता है। मतलब MySQL एक अपने तरीके से नाम जनरेट करता है, और फिर उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शो इंडेक्स फ्रॉम और फिर टेबल का नाम, एक ये पॉइंट है, ठीक है। अब देखो रिमूव यूनिक कंस्ट्रेंट, ठीक है, मतलब मैंने कंस्ट्रेंट अभी क्या किया था, ये यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया था, अब अगर मुझे उसी यूनिक कंस्ट्रेंट को रिमूव करना है, तो यहां पे क्या कह रहा है, टू रिमूव अ यूनिक कंस्ट्रेंट यू कैन यूज ड्रॉप इंडेक्स और अल्टर टेबल स्टेटमेंट एज फॉलोज, ठीक है। मतलब दो स्टेटमेंट के थ्रू आप ड्रॉप कर सकते हो, एक क्या है ड्रॉप, फिर इंडेक्स का नाम, मतलब इंडेक्स का कीवर्ड, फिर इंडेक्स का नाम, फिर ऑन का कीवर्ड, और फिर जिस टेबल के ऊपर वो इंडेक्स आपने लगाया था वो उसका नाम, एक तो ये लाइन है। फिर दूसरी लाइन क्या है, अल्टर, फिर टेबल का कीवर्ड, फिर टेबल का नाम,
फिर ड्रॉप का कीवर्ड, फिर इंडेक्स का कीवर्ड और फिर इंडेक्स का नाम, ये दोनों क्यूरीज हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट वाली क्यूरी ट्राई करके देखते हैं। शॉर्ट वाली क्यूरी कौन सी है? पहली वाली, ड्रॉप इंडेक्स फिर इंडेक्स का नाम। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आते हैं। मैं पहले इसको करता हूँ शो इंडेक्स फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल एंटर करते हैं, नीचे आते हैं। ठीक है, तो देखो यूनी आईडी किसका नाम है? हमारा की नेम है, मतलब इसी को मुझे यहाँ पे डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूं, मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले ड्रॉप, फिर इंडेक्स का कीवर्ड और फिर इंडेक्स का नाम था हमारे पास यूनी अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है? ऑन का कीवर्ड, और कौन से टेबल पे लगा हुआ था ये? ईएमपी टेबल पे हमने लगाया था, मतलब ड्रॉप इंडेक्स फिर इंडेक्स का नाम, मतलब यूनिक कंस्ट्रेंट का नाम, फिर ऑन, फिर हमारे टेबल का नाम। तो यहाँ पे आके कंट्रोल एंटर करूंगा। ठीक है, नीचे आते हैं, तो देखो क्या कह रहा है, ये क्यूरी आपके पास सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, शो करूं, ठीक है, शो इंडेक्स फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, कंट्रोल एंटर करते हैं, नीचे आते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास कोई भी इंडेक्स हमें, मतलब यूनिक कंस्ट्रेंट शो नहीं करवा रहा। इसका मतलब कि अब अगर मैं यहाँ पे आके इंसर्ट करूं, ठीक है, वैल्यूज, ठीक है, वन आईडी ऑलरेडी इंसर्टेड है, तो अगर मैं इस पे दोबारा ऐड करने की कोशिश करूं, ठीक है, कंट्रोल एंटर करता हूं, और अब यहाँ पे आते हैं हम नीचे, तो देखो वन रो इंसर्टेड हो गई। अगर मैं इसका डेटा यहाँ पे देखना चाहूं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी, ठीक है, और कंट्रोल एंटर करते हैं, नीचे आते हैं, तो यहाँ पे देखो वन के नाम से अब डुप्लीकेशन हो गई। क्यों? क्योंकि आईडी के ऊपर मैंने यूनिक कंस्ट्रेंट को क्या कर दिया था? ड्रॉप कर दिया था, रिमूव कर दिया था। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये।